इरफान, स्टेट हारमोन्स के कंसल्टेंट आईपी ग्लोबल से आया हूँ। और आज जो एनएससी कैंप हो रहा है उसके अंदर आपका बिना चेहरे डाल के जो नसबंदी का ऑपरेशन हुआ उसके बारे में हम आपके विचार पूछना चाहते हैं। आप बताइए कि इसके बारे में आपको किसने प्रेरित किया और यहाँ की टीम जो ऑपरेशन टीम है उसके आपके प्रति व्यवहार और ऑपरेशन से संबंधी जो आपको उन्होंने बताया उसके बारे में बताइए। सर मेरा नाम नवीन कुमार सैनी, सना श्री हिराम सैनी, मैं भरतपुर के सूरजपुर इलाके में रहता हूँ। और मुझे एनएसपी के लिए मेरे यहीं आपके स्टाफ में आरडीएम हॉस्पिटल में मेरे नर्स रोशनलाल सैनी जी हैं, उन्होंने इसके लिए मुझे प्रेरित किया। उसके बाद में मैंने इधर उधर से इसके बारे में और कुछ जाना मुझे लगा तो मैं सीधे अपने अस्पताल में आरडीएम हॉस्पिटल भरतपुर में आया और मैंने अपने ऑपरेशन के लिए पहले अपनी सारी जाँचें कराई जो भी जाँचें इसके लिए होनी चाहिए थी। उसके बाद में आज मेरा ऑपरेशन हुआ है अभी कुछ ही समय पहले। मुझे इस ऑपरेशन से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। यहाँ की हॉस्पिटल की पूरी टीम, डॉक्टर साहब, कंपाउंडर साहब, इन सब लोगों ने मेरी हेल्प की और मुझे बिना किसी दर्द के 5 मिनट के अंदर इन्होंने फ्री कर दिया। और इस ऑपरेशन से मेरे शरीर पर कोई फर्क नहीं है, मैं तुरंत चलने घूमने रहा हूँ और ना आगे मुझे कोई परेशानी आई। इस ऑपरेशन में जो अच्छी बात है आपने बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। इस ऑपरेशन में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ आपको और तुरंत आप चलने फिरने लायक हो गए, तो इस मैसेज को आप और लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे इस नसबंदी ऑपरेशन में? अपने फ्रेंडों को, अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को या मेरे घर में जो मेरे भाई हैं अगर उनको नसबंदी करानी होगी तो मैं उनसे कहूँगा कि आपको उस नसबंदी कराएं और इससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। महिला नसबंदी से ज़्यादा अच्छा ये पुरुष नसबंदी है और इसमें उनको कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें अच्छी बात है कि आपको तुरंत फ्री कर दिया जाता है, तो इस अच्छे मैसेज को और अच्छे ऑपरेशन है जिसके फायदे बहुत है और टाइम बहुत कम लगता है, इसको आप अपने समाज में अपने एरिया में फैलाएंगे तो इस अच्छे ऑपरेशन को जिससे बहुत कम समय लगता है और लोगों तक पहुँचेगा और समाज में भ्रांतियाँ है उसके बारे में जो भ्रांतियाँ वो दूर होगी इसके बारे में। और किस तरह से किस लोगों को मोटिवेट करेंगे अपने सर्कल में आप? देखिए कुल मिला के मैं ग्रेजुएट हूँ, शिक्षित हूँ पूरी तरीके से, मेरी बीवी ग्रेजुएट है, मैंने उससे बात की कि इस तरीके से मेरी पत्नी भी मेरे साथ बाहर है और हम दोनों ने मिलकर बात की। जब कंपाउंडर साहब ने हम बताया रोशनलाल जी ने तो हमने बात की तो वो भी तुरंत तैयार हो गई। और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं युवा पढ़े लिखे या अनपढ़ वो इस बात को समझें कि पुरुष नसबंदी से पुरुष के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो आके पुरुष नसबंदी कराएं। ठीक है नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया। हम आशा करते हैं आगे भी आप ऐसे ही लोगों को प्रेरित करते रहेंगे और समाज में राष्ट्र निर्माण में देश के सहयोग करते रहेंगे और हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में आपका सहयोग काबिले तारीफ है। धन्यवाद।